हेलो एवरीवन, तो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जो घूम रही हूँ टोक्यो में, मैं घूम रही हूँ बाय कार, क्योंकि आज वेदर बहुत ख़राब है। इतनी ठंडी हवा चल रही है और कहा भी गया है कि शायद रात को माइनस में टेम्परेचर जाएगा और वेदर बहुत ख़राब है। तो इस वजह से सोचा क्यों ना कार में ही घूमा जाए। तो मैं टोक्यो में गिंजा की साइड ही सारी जगह पर मैं घूम रही हूँ। तो मुझे ये लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और उनमें जो लाइट्स लगी हुई हैं कलरफुल लाइट्स है, और कुछ जगहों पे तो अभी तक जो है वो डेकोरेशन भी है न्यू ईयर की ऐसी ही लगी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी आपको मैं दिखाऊँ। तो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगी ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो टोक्यो में है और उनमें जो लाइट्स आ रही है और जो उनमें लाइट्स लगी हुई है रेली में, वो इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उन चीज़ों को बयां करने के लिए। तो आप खुद ही देखिए ये बिल्डिंग्स कितनी अच्छी लग रही है और लाइट्स भी, हर एक बिल्डिंग में एक जैसी लाइट लगी है और एक जैसा ही सारा नज़र आ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स लगी हुई है। ये जो जगह है ये गिंजा है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, शॉपिंग सेंटर हैं। ये भी जो है टोक्यो का बहुत फेमस प्लेस है। हमेशा यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, बहुत लाइवली प्लेस है ये। और बट अभी जैसे वेदर बहुत ख़राब है तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, और वैसे भी 9 o'clock हो गया तो 9 o'clock तक लोग अपने घर चले जाते हैं। अगर वेदर अच्छा है तो ही वो घूमते फिरते हैं, अगर ठंडक ज़्यादा है तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर चले जाएं। शॉप्स के अंदर चाहे आप ना जाएं, लेकिन कभी कभार विंडो शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है।
यही वाली जा रही है ये सुल्तान से। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव सोचें। तो चलिए बाय बाय।